लंबे अरसे से पिछले 15-20 साल से प्रियंका जी कब पॉलिटिक्स में आएगी, ये मीडिया में भी, आम लोगों के अंदर भी और कार्यकर्ताओं में चर्चा होती रही। आखिर में माननीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने उनकी घोषणा भी कर दी, अपॉइंटमेंट भी कर दी। मैं समझता हूँ कि उनके आने से और कांग्रेस को बल मिलेगा, और राहुल गांधी जी की जो सोच है, जो संदेश है, जो एजेंडा है देश के लिए और मोदी जी के कुशासन का अंत करने का, साशिश ताकतों को घर भेजने का, उस पर बल मिलेगा। सर, राजस्थान से चुनाव लड़ाने के लिए आप उनसे अपील करेंगे कि राजस्थान के बारे में? वहाँ पर उन्होंने प्रियंका जी को संगठन का महासचिव बनाया है और उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्यों का उनको जिम्मेदारी दी है। जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं AICC में, मुझे लगता है कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए बहुत गति मिलेगी और कांग्रेस के संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। मैं शुभकामना देना चाहता हूँ प्रियंका गांधी जी को, ज्योतिर संजय जी को और वेणुगोपाल जी को, जो नई जिम्मेदारी राहुल गांधी ने दी है। लगातार संगठन के अंदर राहुल जी नए लोगों को मौका दे रहे हैं और प्रभावशाली लोगों को नई जिम्मेदारियाँ मिल रही हैं। संगठन की तैयारी AICC से लेकर बूथ लेवल तक पूरी कांग्रेस पार्टी कर रही है और लोकसभा में अपने साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन बहुत बेहतर रहेगा। और प्रियंका जी के औपचारिक ऐलान से जहां उनको महासचिव बनाया है, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। उनके सक्रिय राजनीति में आने से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन संपूर्ण देश भर में। मैं उनको शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक नई शुरुआत होगी जहाँ पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकेगी। वैसे कार्यकर्ताओं की मांग थी कि प्रियंका गांधी जी ऑफिशियली और संगठन में मेहनत करके काम करें, लेकिन हमेशा ये कहा जाता था और बात सही भी थी कि उनका व्यक्तिगत निर्णय है। मुझे खुशी है कि आज राहुल गांधी जी ने हमारे कांग्रेस अध्यक्ष हैं, प्रियंका जी को अपॉइंटमेंट किया है, उनका गृहमंत्री बनाया है। संगठन को अच्छी तरह समझती हैं, अनेकों चुनावों में उन्होंने काम किया है और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत उनका एक संपर्क भी है, तो उससे एक नई ऊर्जा का संचार होगा। और प्रियंका जी के महासचिव बनने से मैं समझता हूँ कि विपक्ष के जो लोग हैं उनमें ज़रूर खतरी गिड्डी बदल रही होगी और स्वाभाविक है क्योंकि वो बहुत लोकप्रिय हैं और उनके काम करने का तरीका अलग है और राहुल जी को बहुत ताकत देंगी, ऐसा मैं मानता हूँ। समय आने में मेरे पर निर्णय किया जाएगा कि कौन व्यक्ति कहाँ से चुनाव लड़ेगा, लेकिन आज ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, संगठन की तरफ से जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसे लेकर पूरे देश भर में बहुत अच्छा संदेश दिया है। और जैसा मैंने कहा कि पहले प्रियंका जी ने कांग्रेस पार्टी की मदद करी, बल्कि पीछे से उन्होंने गांधी जी के चुनावों में राहुल जी की बहुत मदद करी है, लेकिन आज एक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट जो उनका हुआ है उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को नई ताकत मिलेगी और तमाम जो विपक्ष के दल थे उन लोगों को अब बहुत संभल कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी मिलकर काम करेंगे तो उसका बहुत सकारात्मक, बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं और लोकसभा चुनावों में अब कांग्रेस और UPA की जीत जाए। अब पार्टी